ससे नि ससे तू खुशियां च वसे। टीवी शो की शूटिंग बीते दिन खरड़ मोहाली में हुई। ये नया शो जी पंजाबी चैनल पर सोमवार 25 अप्रैल को शाम 7 बजे से प्रसारित होगा। ये एक अलग तरह का पंजाबी कंसेप्ट शो भी है। इसमें रमनीक नामक एक युवती की कहानी है जो अपनी विधवा सास अमृता को पुनर्विवाह के लिए राजी करती है, जबकि अधिकांश शो सास बहू के बीच झगड़े और अहंकार पर अपनी कहानी और टीआरपी बनाते हैं। ये शो उस गहरे बंधन और प्यार की खोज करता है जिसे एक लड़की अपनी सास के साथ साझा करती है। ये इस बारे में गहरा संदेश भी देता है कि कैसे महिलाएं एक पुरुष प्रधान समाज में जीवन में आगे बढ़ने में एक दूसरे की मदद कर सकती हैं। शो का निर्माण दामिनी कवल शेट्टी और राज शेट्टी के एटर्नल फ्लेम प्रोडक्शन के बैनर तले किया जा रहा है, जिन्होंने इससे पूर्व कई हिट धारावाहिकों का निर्माण किया है, जिनमें बानी इश्क दा कलमा कलर्स टीवी, क्राइम पेट्रोल सोनी टीवी, मन में विश्वास है सोनी टीवी, किन्नरी कलर्स कन्नड़, तुलसी दाला कलर सुपर, महारानी स्टार सुवर्णा, रक्षा बंधन रंग कन्नड़, चरण दसी ईटीवी कन्नड़, आपला बुआ, आशा आहे ईटीवी मराठी प्रमुख है। इस प्रोडक्शन हाउस ने जी पंजाबी के लिए खसमा नुखाणी और विलायती भाभी का भी निर्माण किया है, जिसमें खसमा नुखाणी सुपरहिट रहा था। इस शो की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसने 500 एपिसोड पूरे करके पंजाब में इतिहास रच दिया। इस सफलता से प्रेरित होकर दामिनी और राज शेट्टी की जोड़ी ने एक बार फिर से पंजाबी दर्शकों के लिए एक नए पंजाबी शो की घोषणा की है, जो सास बहू के प्यार भरे रिश्ते को दर्शाता है। शो की प्रोड्यूसर दामिनी एक प्रसिद्ध अभिनेत्री होने के साथ साथ राइटर और प्रोड्यूसर भी है। इन्होंने इससे पूर्व शास्त्री सिस्टर्स, एक मुट्ठी आसमान, जिंदगी की महक, गृहस्थी और छोटी बहू जैसे ढेरों सीरियल लिखे हैं। दामिनी के मुताबिक उनका नया पंजाबी शो सस्से निससे तू खुशियां च वसे टीवी जगत के इतिहास के लिए एक नया अध्याय की शुरुआत करेगा। परिवार के हेड बहुत जी जरूर कर रहे हैं। साडा ये जो डेली सोप है सस्से निससे तू खुशियां च वसे, ये G5 तो 7 बजे 25 तरीक नूं आना शुरू हो जाएगा। ये मेरे पूरे परिवार की कहानी है। डेली सोप होर भी बहुत आ रहे हैं, पर जो तुहानूं इहदे विच अलग देखण नूं मिलेगा ये 25 तरीक नूं ही अंदाजा लगा सकते हो, क्योंकि डेली सोप दे विच देखिए सस नूं दे झगड़े, उन्हां दे परिवार दे विच आपसी कलेश बहुत आ चुके हैं, पर साडे डायरैक्टर और प्रोड्यूसर ने सारे सबजैक्टां तों हट के एक सबजैक्ट चुनिया कि नूं ते सस ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ G5 'ਤੇ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਕਹਾਣੀ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਬਜੈਕਟ ਚੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੈੱਡ ਹਾਂ, अमृता मेरी नूँह है, सोहन मेरा पोता है, रमनीक पोते दी वाइफ है, ते विक्रांत सैफ। सत श्री अकाल जी, मैं ताड़ा अपना दिल दलवीर। तो सस्से नहीं सस्से खुशियां च वसे 25 तरीक नूँ शाम नूँ 7 बजे साड़ा शो आ रहा ओनली ऑन जी पंजाबी ते। मेरा नाम है अमृता, मैं सस्से नहीं सस्से तू खुशियां च वसे च सस दा करैक्टर प्ले कर रही हूँ। तो मैं अपने बारे तुहानू कुछ दसना चाहनी हाँ कि मैं मेरी दुनिया मेरे बाऊ जी ते मेरे बेटे दे आले दुआले घूमती है। मेरी जिंदगी विच उन्हां तों इलावा कुछ नहीं है, ते मैं अपनी सारी जिंदगी भुल के बस उन्हां दी सेवा च लगी हुई हाँ। पर मैं हुण एक नवी सोच साडे सीरियल विच आ रही है कि हर औरत नूं अपने लिए जीना चाहिए, अपने लिए सोचना चाहिए। इस सोच दे नाल साडा इह सीरियल है, ते इहनूं तुसीं देखना जरूर, एक डिफरेंट स्टोरी है। थैंक यू। कॉमिक काफ़ी चीज़ें ये मैलो ड्रामा कमिस्ट्री से काफ़ी चीज़ा मिल गई तुम्हें देखने, सो तुम देखना ना भूलो साडा शो सस्से नहीं सस्से खुशियां च वसे। देखो असं पिछले 3 साल तो इतने पंजाबी टैलीविजन काम कर रहे हैं, जी पंजाबी के साड़ी शुरुआत हुई सी, तो इतने हमेशा लोड़ पैंदी आई थिंक लोगों नई कहानियां सुनने की, नई कहानियां समझने की, तो साड़ा यही पर्पस रहा है। असं खसमा नुखाणी काफ़ी 3 साल तो लगातार इतने चला रहे हैं, तो हमेशा यही होंगे कि लोगों को नई कहानी पहुँचाइए। तो इस तो चंगी कहानी की हो सकती जिथे एक औरत दूजी औरत को सपोर्ट कर रही है, एक औरत दूजी औरत की जिंदगी सुधार रही है, स्पेशली जो एक औरत एक सस हो तो एक नूँह हो, तो
तो वो सोच के असी स्टोरी इतने थोड़े को लाया। मैम जिस तरीके का कॉन्सेप्ट है आप सब जानते हैं कि कुछ कॉन्सेप्ट बहुत चैलेंजिंग होते हैं एक तरीके की ऑडियंस को कहानी समझाने के लिए या कहानी पहुँचाने के लिए, तो यह जो रिस्क फैक्टर होता है एज अ प्रोड्यूसर किस तरीके का डिसीजन लेते हैं? देखो असं काफ़ी समय तो शोज़ बना रहे हैं मुंबई, काफ़ी हद तक सा प्रोडक्शन हाउस चलता पै, असी हमेशा कोशिश वही की है। सा सब तो पॉपुलर शो से जो पंजाब बेस्ड ही पानी इश्ता कलमा कलर्स से, उस विच असी कोशिश की सी नई कहानी दसन की। तो हमेशा रिस्क तो हर शो विच हुंदा ही है, सिर्फ असी ये कोशिश करते हैं ऑडियंस तो जो पसंद आता असी हिस्टरी रिसर्च करते हैं तो जो पसंद आता, कोशिश साड़ी यही हुंदी है कि ऑनेस्टली एक स्टोरी दसीए। तुहानू सत श्री अकाल, मेरा नाम है कंचन राय, तो साडा नवा शो आ रहा है सस्से नहीं सस्से तू खुशियां च वसे 25 तरीक तो, तो मैं उहदे बारे गल करन जा रही हाँ। इस शो च मेरा कैरेक्टर है रमनीक दा, जो कि अपनी सस दा विआह करा रही है, तो ये बहुत डिफरेंट कॉन्सैप्ट है, बहुत प्रोग्रेसिव कॉन्सैप्ट है, तो एक बहुत ही यू नो आउट ऑफ लीक कह सकते हो, क्योंकि मेनली मोस्टली सीरियल से तुसी देखोगे कि लड़ाई झगड़े सस नू दे, पर इत्थे तुसी बहुत ज़्यादा प्यार देखोगे सस ते नू दा। अक्सर देखा जाता है कि ससा बहुआ नू बहुत घट प्यार कर दी, पर तुसी एक नू हो के सस दा व्याह करा रहे हो, कितना दा लग रहा? बहुत ज़्यादा वधिया लग रहा है, मैं कदे सुनिया भी नहीं सी इस बारे, है ना, जदों एक कॉन्सैप्ट ही बहुत डिफरेंट है ना, तुहानू भी लग्या होना कि एक किदां दा कॉन्सैप्ट है ना, कि सस दा व्याह करा रही है नू आके, है ना, सोचण नू भी अजीब लगता है, बट जिन्नियां भी परेशानियां आणगियां किदां किदां उह कुड़ी डील करदी है उह सारा तुसी देखोगे, ते तुहानू बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। कद तक शुरू हो रहा है जी सीरियल और कद लेके आ रहे हैं जी? ये शो शुरू हो रहा है 25 तरीक तो, ते रोज आएगा मंडे टू फ्राइडे 7 बजे शामी। खबरनामा हरियाणा के लिए ट्राई सिटी से सुधीर वर्मा की रिपोर्ट।